बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है आलू प्याज के पकौड़े। आलू प्याज के पकौड़े बनाने के लिए एक कप बेसन, एक दरमियाने साइज का आलू, आप इसको किसी भी शक्ल में काट सकते हैं, मैंने इसको लंबाई में काटा है, एक दरमियाने साइज का प्याज, ये भी ऐसे स्लाइसिस में काट लिया है, 2 से 3 सब्ज मिर्चें, ये भी ऐसे लंबाई में कटी हुई, थोड़ा सा सब्ज प्याज का सब्ज वाला हिस्सा, सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ, कसूरी मेथी मसल के डाल देंगे, अनारदाना, इसको थोड़ी देर भिगो के रख लेंगे, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1/2 चाय का चम्मच अमचूर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 4 खाने के चम्मच दही, 1/2 ज़रूरत पानी डाल के हमेशा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमेशा मिक्स हो चुका है, तेल मैंने चढ़ा दिया है, अब इनको फ्राई कर लेते हैं, दरमियाने गरम तेल के अंदर फ्राई करेंगे इनको। पहले चेक कर लेते हैं तेल गरम हो चुका है, चाहे तो चम्मच के साथ आप ये पकौड़े डाल सकते हैं, चाहे तो हाथों की मदद से भी। आलू अच्छे से बारीक कटे हुए हैं, जल्दी से ये कुक हो जाएंगे। बेसन की मिकदार वैसे ही इसमें मैंने थोड़ा कम रखी है, इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना है। किचन टॉवल पे निकाल लेंगे इनको। आलू प्याज के पकौड़ों को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है, अब ये रेडी टू सर्व है।